कॉलेज वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बग़ैर वीडियोस देखे बग़ैर कोई आ, प्रूफ देखे आप हमेशा ऐसे क्यों करते हैं कि हेटर्स को जाके वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं जैसे वो आपको कहते हैं कान भरते हैं आप वैसे आके बोल देते हैं तो इससे मुझे यकीन हो रहा है कि आप हंड्रेड परसेंट सितारा पे भी ऐसे ही गुस्सा करते रहे हैं जैसे हेटर आपको कहते थे आप वैसे ही उनका कहना मान लेते थे तो वैसा ही आपने मेरे साथ भी किया और मुझे आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जहाँ पे मैंने इल्ज़ाम लगाया वो वाली वीडियो लेके आएँ और मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया मैंने सलमा पे जो इल्ज़ाम लगा उसको छुपाया और मैं उसको कैश करवा सकती थी लोग कहते हैं ना यहाँ पे हम व्यूज़ के भूखे बैठे हैं मैं अगर मैं अगर आपका और सलमा का टाइटल लगा के वो वाली वॉइस चला देती जो कि मेरे पास है लोग लगा रहे हैं आ, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी ऐसा ना करें वरना मैं आ, कोई एक्शन ले सकती हूँ उस पर तो मैं उस पर व्यूज़ कमा सकती थी मुझे ज़ाहिर सी बातें काम आता है तो मैं उसको वैसे ही कैश करवाती तो इसलिए बर मेहरबानी आप मेरे पे ये वाला इल्ज़ाम मत लगाएं और हेटर के मुंह पे लानत क्योंकि हमेशा वो झूठ बोलते हैं शैतान वाला काम करते हैं शैतानग जगाते हैं आ, मैंने आ, जो है वो जहाँ लिंक देखा है वो एक कुछ छोटी सी यूट्यूबर हैं उनके चैनल पर देखा है और मैं बड़ी हैरान हुई कि सॉरी मैं छोटी सी कह रही हूँ तो मैं खुद भी छोटी सी यूट्यूबर हूँ कोई मैं, मैं मैं मेरा इशारा हेटर्स की तरफ से मतलब बड़े जो हेटर हैं उनकी तरफ नहीं है क्योंकि मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी ये मैंने किसी और न्यू चैनल जो है इसलिए मैंने छोटा कहा मैं वहाँ बात पहले करता हूँ भाई तो न्यू चैनल है उस पर मैंने देखा है तो मुझे बड़ा दुख हुआ आपकी ये बात सुन के कि मैंने आप पे इल्ज़ाम लगाया मैंने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने आप पे इल्ज़ाम जो आप पे लगे हैं वो छुपाया है मैं उसको सही से कैश करवा सकती थी मैं खुद गर्स बनके लेकिन नहीं मैं मुसलमान हूँ मैंने आ, मुझे तरीका कार पता है मैंने आखिर कुरान पढ़ा है उसका तर्जमा पढ़ा है तफसीर पढ़ी है मुझे इतना अंदाजा है कि मैंने किसकी इज्जत कैसे रखनी है कैसे करनी है तो मैं आ, आप लोगों के लगाए हुए इल्ज़ाम को हम लोग छुपाते हैं हम लोग कहते हैं कि नहीं इनको ढको तो जो आप पे और सलमा पे जो इल्ज़ाम लगा है वो मैंने छुपाया है मैंने उसको कैश नहीं करवाया मैं करवा सकती थी अच्छे से व्यूज ले सकती थी बटोर सकती थी व्यूज़ बगैर मेहनत किए वो टोटा उठा के उसको एडिट करके लोगो ये देखो ये हो गया लेकिन नहीं मैंने छुपाया है आप लोग क्यों नहीं समझते हर बात को उल्ट क्यों लेते हैं आप लोग असल नाजरीन कैसे आप सब ठीक है उम्मीद है खैर से होंगे ना ऑशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया और मैं बात करूंगी ख़ालिद अमीन साहब जो है भाई भाई ख़ालिद अमीन उनके बारे में बात करूँगी मुझे किसी ने लिंक भेजा और उसमें वो कह रहे हैं कि नौशीन मुल्तानी सिस्टर जो हैं कल उन्होंने मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो भाई जान ला अः अहम्मद रसोल्ला मैं झूठे पे लानत भेजती हूँ अगर मैं झूठी हूँ तो आपको पता है कि ये हम कलमा क्यों पढ़ते हैं हमारी बहुत बड़ी एक बिलीव है इस पर पहला कलमा पे क्योंकि हम मुस्लिम बिलीव करते हैं कि जब हम मरने लगे जब हमारी रूह इस दुनिया से जो है जाने लगे प्रवास करने लगे तो हमें पाक ये कलमा नसीब फरमा अगर किसी ने पढ़ लिया तो यह जन्नत के दरवाजे की कुंजी है अच्छा जी एक सिस्टर आई थी आयशा उन्होंने इजहार ख्याल किया इस बात का जो कि मैंने उन्हें पूरी बात नहीं करने दी थी और मैंने खुद भी इस बात को नहीं उछाला मैंने कल से ही बात ये की थी तो खालिद अमदीन भाई आ, मेरा मैं तो सपोर्टर हूँ और मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ यहाँ पे भी अगर कोई आया है तो मैं उस पर बिलीव नहीं किया मैं खामोश हो गई हूँ और मैंने उनकी ज़बान बंद कर दी है कि बहन प्लीज़ आगे आपने कुछ भी लफ्ज़ नहीं बोलना मैं लाइव सेशन आज से नहीं बहुत पहले से करती हूँ जैसा कि मैंने बताया मैं आज से सात से आठ महीने पहले से लाइव सेशन करती होती हूँ और उसमें रेंडम लोग जो है आते रहते हैं बात करते रहते हैं प्री प्लान मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है आप खुद भी बेशक ट्राई कर सकते हैं तो ये बात आप अगर मेरे प्लेटफॉर्म में आके कह देते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि आप मुझे तनकीद करते लेकिन <coughs> सरासर आपको गलत फहमी हुई है कि मैंने किसी पर इल्ज़ाम लगाया है मैंने तो बल्कि इस बात को भी दबा दिया है और मैंने आज से आ, जब सलमा ने ये बात की थी मैंने उस टाइम भी कहा था कि मैं अगर सलमा के ख़िलाफ़ भी इस तरह का कोई मुद्दा या केस आया हम उस पर भी नहीं उछालेंगे उनकी इज्जत क्योंकि वो एक औरत है और आ, हर इंसान का पास्ट भी होता है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है हो सकता है मेरा भी अच्छा और बुरा रहा हो पास आपका भी रहा हो और लोग भी हैं सबका होता है और सबके घर में लड़ाई झगड़े और फसाद भी होते हैं दूसरी बात ये कि <coughs> ये जो आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया ये बहुत गलत लगाया इससे मेरा दिल दुखा है आपकी इस बात से और मुझे तकलीफ हुई है आप व्हाट्सअप जो वॉइस है उसमें ये बातें कर रहे हैं दूसरी बात लाइव हुई मरियम की उसमें आ, मुझे बहुत खुशी हुई दिल से खुशी हुई रियली एप्री मरियम आपने बहुत अच्छा इकदाम उठाया बहुत अच्छा काम किया सपोर्टर किसको कहते हैं सपोर्टर इसी को कहते हैं मिलाना ना कि जुदा करना किसी फैमिली को किसी खानदान को किसी की किस ज़िंदगी बर्बाद करना उसको जो है हेटर कहते हैं और जो के आ, मिलाने वाले लोग होते हैं वो होते हैं सपोर्टर तो ये आप यहाँ से जांच लें और यहाँ से जान लें सितारा आई आ, खालिद अमीर भाई आए उनकी आपस में थोड़ी सी तलक खलामी हुई मैं थोड़ी सी लाइफ अपनी लाइफ कट करने के बाद मैं थोड़ी सी लाइफ गई थी ज्वाइन किया था मरियम का <coughs> फिर मैं सो गई थी मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी खराब भी थी जैसे कि डॉक्टर इच्छा भी कह रही थी लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है मेरे हाँ गले का मसला है थोड़ा सा उसके बाद मैं सो गई थी फिर मैं सुबह नमाज के टाइम उठी तो फिर मैंने मज़ीद लाइव देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा थोड़ी सी नोक झोंक हुई उनकी आपस में खून के रिश्ते हैं ये नहीं टूटने वाले खालिद अमीन भाई साहब ये सितारा यासीन जो है ये आप लोगों की नस्ल को परवान चढ़ाने वाली औरत है ये इसने आपकी आप लोगों की नस्ल को परवान चढ़ाना है मतलब कि आप लोगों के ख़ानदान को बड़ा करने वाली समझ आई आसान लफ्ज़ों में कुछ बहनों को लफ्ज़ नहीं समझ आते तो मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ कि एक औरत आपकी फ़ैमिली में आती है वो जो है जब बच्चे पैदा करती है तो वो एक ख़ानदान को बढ़ाती है ठीक है ना तो वो आपकी खानदान का एक हिस्सा है वो एक औरत का एक बड़ा अहम रोल होता है उसकी तजलील हो रही है आपके खानदान की एक लेडी की बिला वजह कोई तजलील कर रहा है और उसी लाइफ में आप जब जाके बैठते हैं तो फिर हम तनकीद करते हैं लिमिटेड तरीके से हम आपके भाई के बच्चों को कभी भी नहीं कहते कि इनका डीएनए करवाओ ठीक है ना आप सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं ये हेटर करते हैं जिनकी लाइफों में आप जाते हैं ना ये वो लोग करते हैं जिन्होंने आपकी वॉइस चलाई होती है ये उन लोगों ने बातें की हैं आपके भाई और आपकी भाभी के खिलाफ साजिशें की हैं ऐसी ऐसी साजिशें की हैं कि जो जो उनका गुनाह नहीं भी है उसको भी लपेटे में लेके आया गया मतलब एक बच्चे एक बच्चे के बारे में कहा गया कि सितारा यासीन ने जो है ये किया भाई क्यों किया क्या आप यकीन करेंगे मुझे किसी ने कहा सलमान ने बिल्ली का बच्चा मारा मैंने कहा मैं नहीं मानती इस बात को मैं नहीं मानती ठीक है ना आप मुझे कैसे गलत कह सकते हैं आप लोग खुदा रहा मेरी पूरी वीडियो तो देखा करें आप सरसरी देखते हैं कि वो मस्खरी बैठी है तो इस मस्खरी को क्या देखना पर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी दो तरह की पब्लिक है रिएक्शन तो सुनती सुनती है साथ में हल्ला गुल्ला थोड़ा सा हो तो वो उनका माइंड फ्रेश हो जाता है हर बंदा डिप्रेशन में जा रहा है मैं <coughs> जब ये वाला किस्सा हुआ ये वाला आ, मसला हुआ सितारा यासिन यासिन के दौरान तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ और बहुत सारे लोग कमज़ोर पड़ चुके थे मैं एक वाहिद बंदी उठी और मैंने जो है सबको एक इकट्ठा किया लाइव के थ्रू सबकी बातें सुनी सबकी दिल की बातें सुनी सबको हंसाया सबको तसली दी और मैंने कहा कि खुदा रहा आप लोग दिल छोटा मत करें डाई हार्ड फैन हैं सितारा यासिन की लेडीज इतना प्यार करती हैं उनको कौन सी फहाशा काम कर रही है आपकी भाभी सिर्फ नॉर्मली व्लॉगिंग ही दिखा रही है ना उस पर भी आप लोग तनकीद करते हैं मैंने आज तक नहीं देखा सितारा यासीन ने कोई गाली दी हो मैंने आज तक नहीं देखा उन्होंने कोई गंदे कपड़े पहने हो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा कुछ लोग कहते हैं दूसरी शादी को उठाया भाई उसने नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही थी अपना ब्यूटी टिप्स दे रही थी सारी चीज़ें जैसे होती हैं मतलब ब्यूटिशन चीजें वो अपना दिखा रही थी मेकअप शेकअप पार्टी मेकअप इस तरह की चीजें वो बताया करती थी फिर अचानक से उन उनपे इस तरह की आ, टेंशन आई कि दो महीने पहले उनके हस्बैंड ने चोरी निकाह किया था पहले हाँ बात चल रही थी ये सितारा ने खुद कहा हां पहले बात चल रही थी लेकिन जब निकाह करके आए तो उस टाइम हस्बैंड ने नहीं बताया था ये मुझे बाद में पता चला फिर हमारे घर लड़ाई हुई फिर जब शादी करने लगे हस्बैंड तो मैंने साथ दिया ये सोचने और समझने में कई लोगों को इतनी दिक्कत है इतनी परेशानी है आज तक उनको समझ नहीं आ रही पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही या तो वो दिमाग से बिल्कुल फारे गए उनको इसलिए या वो मानना ही नहीं चाहते इस बात को हमने तो पहले ही दिन वीडियो देखी हमें समझ आ गई कि अच्छा भाई ये मुद्दा है ये कहानी है ये है बात उसको भी आ, कहा गया कि भाई ये तो झूठ बोलती है कोई दूसरी शादी नहीं जब प्रूफ हो गया कि भाई हाँ दूसरी शादी हुई फिर कहते हमारे हस्बैंड खराब किए इन्होंने इस्लाम के खिलाफ वो लोग बात कर रहे थे सिद्धारा ने नहीं इस्लाम के खिलाफ बात की थी दूसरी बात ये अगर वो ब्लॉग को लेकर चली तो उसने अपनी फीलिंग बताई कि हस्बैंड की दूसरी शादी के बाद मेरी फीलिंग क्या है अभी हस्बैंड नहीं है मेरी फीलिंग क्या है मेरे बच्चों को स्कूल लेके आने जाने में मसला हो रहा है मुझे सब्जी दूध चीनी पत्ती लेके आने में मसला हो रहा है मुझे ये ये टेंशन हो रही है मैं अकेली पढ़ रही हूँ मैं मर रही हूँ फीलिंग दिखाती थी इजहार नहीं करती थी सिर्फ फीलिंग दिखाती थी कभी कोई गाली नहीं दी आप सब वीडियो उठा के देख ले सितारा यासीन की कभी गाली नहीं दी कभी किसी को बुरा नहीं कहा रात मरियम की लाइव में हेटर्स के बारे में कोई बात हुई तो सितारा की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उन्होंने कहा आ, मैं ना उनसे प्यार करती हूँ ना मैं उनसे नफरत करती हूँ उस बेचारी का बड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने उसका जीना हराम करके रख दिया है यहां तक एक बहन जो है वो भी पीछे नहीं हटी वो भी पीछे नहीं हटी ठीक है ना तो बात यह है कि आज मैं उन हेटरों को कहना चाहूंगी आज मैं उन हेटरों को कहना चाहूंगी क्या मिला तुम लोगों को तुम लोग फसादी लोग हो तुम लोगों को क्या मिला फसाद बर्पा करते हो क्या मिला खालिद अमीन को अपनी लाइवों में बिठा बिठा के वॉइस थोड़ी सी बात आ, सितारा यासीन के ब्लॉग में ऐसी पता नहीं होती तो नहीं है पता नहीं इन लोगों को कहाँ से नजर आ जाती है कुछ भी थोड़ा सा ऐसा देखते हैं खालिद अमीन की वॉइस लिख वॉइस व्हाट्सअप पे फौरन रबते तुम लोगों ने मरना नहीं है जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे सब कुछ यहां पे रह जाना है सब कुछ यहां पे रह जाना है और ये लोग उस बंदे को उकसाते हैं उसकी वॉइस चलाते हैं आज देखो वो दोनों एक हो गए खून के रिश्ते हैं उनके साजिद अमीन खालिद अमीन सितारा यासीन ये लोग एक हैं और इसी बात को लेके आज मैं चल रही हूं इस बात को लेके मैं आज रिएक्शन दे रही हूं सपोर्ट में क्यों दे रही हूं मुझे पता है ये खून के रिश्ते हैं सलमा सितारा एक हो जाएंगी ये नहीं है टूटने वाले रिश्ते नहीं है खून के रिश्ते कभी भी नहीं टूटते दुनिया की कोई भी चीज आ जाए क्योंकि वो खून के रिश्ते हैं और इनकी वालदा माशाल्लाह हयात है इनके भाई हैं क्या मिल गया उन हेटरों को हाँ गुनाह किया सितारा ने गुनाह किया तुम लोगों ने देखा अगर किया अगर किया कि चाहे लोगों तुम लोगों ने अपनी किताबों में नहीं पढ़ा कि भाई किसी का गुना देखो उसको छुपा लो जैसा कि अस्कर की मैं बात करूंगी अस्कर की वीडियो आई उस बंदे ने आ, कुछ बातें जो हैं इस तरह के इजहार किया कि <coughs> मेरी वाइफ जो है Uh, उन्होंने पूरी डिटेल बताई काफ़ी लोगों ने वीडियो देख भी ली है अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ कि uh, ऐसे ऐसे मेरी uh, मेरी जो वाइफ है ऐसे ऐसे उन्होंने एक पहले पेज बनाया फिर उ, इंस्टाग्राम का बताया उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पे कोई नाम भी बताया कि वहाँ पे उनके हाथ भी नज़र नहीं आते थे सिर्फ बच्चों की वीडियो डाली आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहन सितारा को देख के उसके बाद आहस्ता ऐसा शौक बढ़ा हाथ दिखाना भी शुरू हो गई काम करते हुए फिर उसके बाद जो है आवाज़ आवाज डालना शुरू हो गई यूट्यूब चैनल पे YouTube यूट्यूब चैनल जब बनाया तो हमारी काफी लड़ाई हुई मैंने रोका कि आपने ऐसा नहीं करना मुझे नहीं है पसंद मैं आ, जो है घर का जो खर्चा है जैसा है आप खाना खा के सोते हैं भूखे नहीं सोते तो खुदा रहा आप यूट्यूब पर मत आए मुझे अच्छा नहीं लगता तो उनके कहने का मकसद था कि भाई ये जो आज ये जो कहानी खड़ी हुई है मेरी बीवी ने मुझे जलील कर रही है तजलील कर रही है मेरी वो यूट्यूब चैनल की वजह से कर रही है मैं मुख्तसर बताना चाहूँगी कि उनका कहने का मकसद है कि मेरी वाइफ जो है मेरे साथ कई बार लड़ चुकी है और जब इसने फेस रवील किया था उस टाइम मैं जेल में था और इसने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दी थी बाद में शायद पब्लिक की होगी लेकिन चोरी से बना ली हुई थी तो आ, या फिर उसी टाइम ही डाली होगी लेकिन उनका कहने का मकसद था कि ये सिर्फ गलत फहमियाँ हैं और यह सिर्फ यूट्यूब को आगे चलाने का मकसद है मेरी वाइफ बार बार मुझे कहती थी सितारा का यूट्यूब चैनल अच्छा जा रहा है मैंने भी अपना YouTube चैनल ग्रो करना है बार बार मेरी वाइफ आहिस्त आहिस्ता मेरी बच्चियों को लेके सामने आना शुरू हो गई जो कि मैं गवारा नहीं करता मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि ये मेरी बच्चियों को जो है यूट्यूब पे लेके आए कल को हमें मसला हो हम रिश्ता देखने जाए या हमारे घर कोई रिश्ता देखने आए वो ये ना कहे कि भाई ये तो कैमरों के सामने आती हैं ये पता नहीं क्या है क्या नहीं मतलब गलत बातें तो होती हैं ये तो है जो नॉर्मल तबका होता है उनके लिए बड़े मसले मसाइल बनते हैं रिश्ता करने में आज आप लोगों को मेरी बातें शायद पता नहीं बोर लगेंगी क्योंकि मैं बीच में कॉमेडी नहीं कर रही बहुत ज़्यादा तादाद में मेरी बहनों को मेरी कॉमेडी पसंद है लेकिन आज टॉपिक इस तरह का है तो इसलिए मुझे इस तरह की बात करनी पड़ रही है मुझे बहुत ज़्यादा बे खुशी हुई है कि इन जेठ और भाभी की जो है सुलह हो गई है मुझे बहुत बेानतहा ख़ुशी है बहुत सारी बातें हुई बहुत सारी बातें हुई वालद साहब को ले के उनके खर्चे को ले के तो अगर इन खर्चों पर और इन चीज़ों पर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर खालिद भाई आप बिल्कुल जो है हम लोग आपको साइड पर लगा देंगे लेकिन हम हेटर नहीं बनना चाहते हम बात को ठंडा ही रखना चाहते हैं तो आई अप्रिशिएट यू माशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक अल्लाह ताला आप लोगों के ख़ानदान को नजर बद से बचाए खुश रहे आप लोग बहुत खुशी की बात है तो इसलिए हम मजीद गहरी बातों में जाना ही नहीं चाहते ना मैं उन चीजों को उछालूंगी हाँ मुझे यह दुख लगा कि आपने कहा कि ये मेरे पे इल्जाम लगाया गया तो मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया मैंने आप पे अभी तक कोई इल्जाम नहीं लगाया मेरी वीडियोज आप उठा के देख ले बल्कि मैंने रोका एक बंदी को कि नहीं 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 हम गवाह न बन हम गवाह ना बन जाए ऐसी चीज़ों के इसलिए मैंने उस बंदी को भी रोक दिया तो बात यह है कि कहते हैं पर्दा रखो आज किसी का पर्दा रखोगे कल आपका भी रखा जाएगा तो बात यह है कि मैंने किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया हाँ जिनको खुद से खटका और खुद से लगा कि हाँ ये बात सच्ची होगी तो वो आपको फिर भड़का रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं इस किस्म की तो आ, मैं ऐसे बंदों में से नहीं हूं किसी को भी उठाओ उनकी इज्जत नीलाम कर दो के भाई ये तो गुनाह हुआ मैं कह रही हूं नहीं हुआ हदीस से पढ़ो फिर समझ आएगी मेरी बात आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो बात यह है Uh, बातें बहुत लंबी हो रही हैं वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है लेकिन uh, कुछ कुछ पॉइंट मैं फिर बीच में छोड़ भी रही हूँ कुछ पकड़ भी रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए आप लोग डिस्टर्ब ना हो मेरी बातों से uh, असगर का जो है कहने का मकसद था है कि भाई मेरी वाइफ ने यूट्यूब चैनल के लिए ही ये सारा प्लान किया और हमारी लड़ाई बहुत अरसा पहले से चल रही थी और उन्होंने कहा के हमारी शादी को अठारह साल हो गए मेरी बीवी का करेक्टर ऐसा नहीं है ये भी उन्होंने गवाही दी अपनी बीवी के बारे में लेकिन आ, मैं ये कहना चाहूंगी कि सलमा ने इनसे यूट्यूब चैनल वापस क्यों लिया उन्होंने इनसे यूट्यूब चैनल छीन लिया उसके बाद इन्होंने न्यू आईडी बनाई उस पर वीडियो डालना शुरू किए चैलेंज जो भी हुआ अच्छा हुआ अच्छा पैगाम दिया बातें समिटना शुरू समेटना शुरू हो गए हैं ऐसा ऐसा सब समेटना शुरू हो गया है बहुत अच्छी बात है इन चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए साथ में मामू की बात भी करेंगे मामू मामू डबल ढोल की मामू बस उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाती हूँ आप लोग परेशान ना हो ठीक है आएगा रिएक्शन आएगा <laughs> टेंशन ना लो तो अभी मैं फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगी बेस्ट ऑफ लक इन दोनों की सुलह हो गई है और मुझे बहुत खुशी हुई है बाकी प्लीज़ मेरे पे ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैंने कोई आप लोगों पे बात की है। आप मेरा रिएक्शन कल परसों लाइव आ, की बात हो रही है ना कल 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 रात हुई है कल रात हुई है या परसों रात हुई है दो दो देख लें आप लोग लाइव मेरी उठा के वहाँ पे मैंने आपके किरदार पे कहाँ बात की है आप मेरे रिएक्शन उठा के देख लें कल के मैंने आपके किरदार पे कहाँ बात की है तो भाई मैंने किसी के किरदार पे ना बात की है ना मुझे शौक है ना मैं किसी गुनाह में पढ़ना चाहती हूँ जिन किरदार पे आप लोगों ने बात की और मुझे कह रहे हैं कि मैं साथ दे रही हूँ भाई मैं तो वहाँ पे भी गुनाह छुपवाने की कोशिश कर रही हूँ अगर है तो क्योंकि हम तो गवाह नहीं हैं हम हम मैं जब तक नहीं देखूंगी कि शेर ने हमला किया या बिल्ली ने दूध जूठा किया मैंने जब खुद से नहीं देखा मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊँ भाई सीधी सी बात है ना तो इसलिए बात यह है कि हम तो आप लोगों की ही फैमिली को छुपा रहे हैं हम तो आपकी ही फैमिली की इज्जत बना रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आप हमें ही तनकीद कर रहे हैं तो खुदारा आप खुद सोचें उन लोगों से आप बाइक आउट करें जो आपके भाई और आपकी भाभी के बारे में गंदी वाली बातें करते हैं और कहते हैं इनके बच्चों का डीएनए करवाओ इनके बच्चे अपने नहीं हैं लाहौल बलक हुआ था इहली आजीम मैं ऐसी गंदगी में जो है कभी भी हामी नहीं भरूंगी मैं कभी किसी की बच्ची या बच्चों को कभी भी हराम का नहीं कहूँगी निकाह में है मियाँ बीवी हैं उनके बच्चे हैं उनकी शक्लें भी मिलती हैं तो ऐसे लोगों को आप बायकॉट करें आप उन लोगों को समझाएं जो रात दिन आपकी आपके खानदान की धज्जियाँ उड़ाते हैं उन लोगों से आप बाइकआट करें तो खुदा रहा पहले वीडियो देख लिया करें बाद में बात किया करें इसके साथ ही मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज़